हेलो एस पेरेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माय नेम इज़ कोमल व्यास और मैं आपके DBMS के लेक्चर्स ले रही हूँ। तो द टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज़ डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल होता क्या है? डेटा मॉडल का मतलब ये होता है कि डेटाबेस के अंदर में किस तरह से डेटा जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है लॉजिकली। लॉजिकली आप कैसे डेटा को कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ में, आप उसे कैसे प्रोसेस करोगे, आप कैसे उन्हें स्टोर करोगे, तो ये सब में हम पढ़ते हैं डेटा मॉडल्स के अंदर में। साथ में ये क्या प्रोवाइड करता है, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपको प्रोवाइड करेगा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, हाइडिंग द कोर पार्ट एंड जस्ट शोइंग सम ऑफ द डिटेल्स जो कि यूज़र को ज़रूरत हो, तो उसके लिए हम डेटा मॉडल्स का यूज़ करते हैं। नाउ बेसिकली चार टाइप के मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला है रिलेशनल मॉडल, हायरार्की मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, देन नेटवर्क मॉडल एंड ईआर मॉडल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशनल मॉडल कि रिलेशनल मॉडल होता क्या है। जो हमने टेबल्स देखा है, जो हमें कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, टेबल के फॉर्म में जो हम पढ़ते हैं डेटाबेस को, वही होता है हमारा रिलेशनल मॉडल। डेटा आर ऑर्गेनाइज इन 2D टेबल्स एंड रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड बाय कॉमन फील्ड्स। क्या होएगा इसमें कि हमने समझो टेबल बनाया है, तो एक कॉलेज है, कॉलेज ने अपना डेटाबेस बनाया, उसमें टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा, सब्जेक्ट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे। तो ये सब को जो मेंटेन करेंगे, ये कॉमन फील्ड्स हैं जो इन टेबल्स में आएंगे, साथ में उस टेबल में रोज आएंगे, कॉलम आएंगे, तो इस मॉडल को कहा जाता है रिलेशनल मॉडल, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टेबल्स का। दे आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स विथ रो एंड कॉलम्स। तो जो टेबल्स होता है उसे ही हम क्या कहते हैं कि रिलेशंस। ये वर्ड में भी कई बार कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम सेम के लिए यूज़ करते हैं, रो एंड कॉलम्स के लिए हम टपल्स भी यूज़ करेंगे, तो टेबल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेशंस। ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, ये कह सकते हैं कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा हमारा रिलेशनल मॉडल ही यूज़ होता है, जितने भी डेटा हैं वो सब हमारे टेबल के फॉर्म में ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक छोटा सा रिलेशनल मॉडल का डायग्राम देखेंगे। इसमें हमने देखा कि हमने तीन टेबल बनाया है, ये कॉलेज का टेबल है समझिए। तो ये जो फर्स्ट टेबल है इसमें क्या है, स्टूडेंट आईडी दी हुई है, स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है और उसका एज दिया हुआ है। ID 1 है आयुष, सेकेंड पीहू, थर्ड मोक्ष, फोर्थ इज किरण। जब आप सेकेंड देखेंगे टेबल, उसमें क्या बना हुआ है कि हमने लिया एक सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट का नेम और कौन सा टीचर उसको पढ़ाता है। सब्जेक्ट आईडी में 1 ID है आपका जावा मिस्टर जैक, सेकेंड सीशा फिलिप एंड सो ऑन। ये हमारे दो टेबल्स हैं। अब मुझे इन दोनों टेबल को कंबाइन करके कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ऐसा नहीं कि ये पूरे को बनाने के लिए हमने एक बड़ा सा टेबल बना लिया और ये सबको उसमें डाल दिया, नो। बिकॉज मुझे कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें इसमें से निकालनी है इस डेटा से, तो मैं एक थर्ड टेबल फॉर्म करूँगी। नाउ थर्ड टेबल में जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है मैं उन सब के कॉलम्स बना लूँगी। जैसे मुझे वो सब स्टूडेंट्स चाहिए और वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें उनके कितने मार्क्स हैं, मुझे वो जानना है। तो व्हाट आई विल डू, मैंने ये टेबल लिया, मैंने एक रिलेशनल मॉडल बनाया, तैयार किया, मैंने यहाँ से ली आईडी। फॉर एग्जाम्पल 1 आयुष, मैंने आयुष की आईडी ली, आयुष सब्जेक्ट 1 पढ़ता है। सब्जेक्ट 1 क्या है, सब्जेक्ट आईडी 1 में है जावा, मतलब वो जावा को पढ़ता है और जावा में उसके 52 मार्क्स है। तो कल को मुझे एक बहुत बड़ा टेबल बना के ये ज़रूरत नहीं कि मैं जावा भी लिखूँ, देन मैं सी शार्प को भी लिखूँ यहाँ पर, नो नीड। मैंने आईडी दे दी, बट ऑब्वियस जब हम इसमें कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कीज़ क्या होती हैं, तो इसमें हम प्राइमरी कीज़ लगाएंगे ये दोनों टेबल में, और फॉरेन की से मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दूंगी। अभी कीज़ का चैप्टर नेक्स्ट है हमारा, फर्दर वी विल डिस्कस ओवर इट। यहाँ आपको बस इतना जानना है कि एक्चुअली रिलेशनल मॉडल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे अलग अलग टेबल्स में हैं, मुझे वो सब टेबल को ज्वाइन करके कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है जो मेरे लिए यूज़फुल हो, तो उसके लिए मैं एक रिलेशनल मॉडल को यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ से क्या निकाला, स्टूडेंट आईडी में मुझे वो सब स्टूडेंट समझिए, आयुष नहीं, दूसरा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, सी शार्प, सी शार्प में उसके मार्क्स 89 आ गए। आई वॉन्ट टू नो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबके मेरे को मार्क्स जानने हैं, उनके जो भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें उनको कितने मार्क्स मिला है। सेकेंड इज़ पीहू, पीहू जो है वो सब्जेक्ट 1 जावा ही पढ़ता है, तो
जावा में उसको 66 मार्क्स मिले। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेरी रन करा दी इसमें कि जावा में आयुष और पीहू में से सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिले, किस आईडी को मिले, सिलेक्ट करो आईडी, तो हमको ये रो, सॉरी ये नहीं, ये रो हमको एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। रीज़न मुझे चाहिए कि किसको इन दोनों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, उसके लिए हमें उस टाइप की क्वेरी लगानी पड़ेगी। सेम इज थर्ड, थर्ड है मोक्ष, मोक्ष को उसका सब्जेक्ट आईडी है 2, दैट इज सी शार्प, सी शार्प में उसको मार्क्स मिले 78। तो दिस इज़ अ पैटर्न एक रिलेशनल मॉडल के लिए। नाउ नेक्स्ट मॉडल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हायरार्किकल मॉडल। नाउ सेकेंड डेटा मॉडल है जो हम पढ़ेंगे आफ्टर रिलेशनल मॉडल इज हायरार्किकल मॉडल। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी डेटा हैं वो सब ट्री लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म किए जाते हैं, जिसमें, अच्छा आप लोगों ने एक ट्री स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें क्या होता है, उसमें एक रूट नोड होता है जिसको हम पेरेंट नोड बोलते हैं, उसके बाद उसके पूरे चाइल्ड नोड्स होते हैं। तो सेम उसी वे में हम इस मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनल मॉडल में रूट नोड पेरेंट नोड वाला कोई भी चांस नहीं था, उसमें नॉर्मल आप टेबल्स बनाते थे जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते थे और उसमें हम डेटा डाल के बहुत सारे टेबल्स को कनेक्ट करते थे। लेकिन हायरार्किकल मॉडल में जो भी डेटा ऑर्गेनाइज होगा, ये सब आपके प्रीवियसली टाइप के मॉडल्स हैं जो पहले यूज़ होते थे। अभी जो सबसे लेटेस्ट में है वो आपका RDBMS है जो आज के डेट में चलता है, उसके आगे अब तो डेटा सीधा क्लाउड्स में ही रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। नाउ जैसे ही हमने डेटा को इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे ट्री के स्ट्रक्चर में, जिसमें क्या होगा, एक सिंगल रूट होगा जो कि पेरेंट नोड है ना, और उससे बाकी के सब कनेक्टेड रहेंगे। नाउ एडिंग चाइल्ड नोड्स टू द पेरेंट नोड, उस पेरेंट के फिर बहुत सारे चाइल्ड नोड्स होंगे। नाउ ये रिलेशनशिप किस टाइप का होता है, 1-to-many रिलेशनशिप। मैंने आपको एक मेरे एक वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, 1-to-1, 1-to-many, many-to-1, many-to-many, ये चार टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, और मैंने ये आपको समझाया भी है एक वीडियो में। तो उससे आप इस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं कि 1-to-many का मतलब क्या होता है, कि एक एंटिटी है और उससे थ्रू बहुत सारे एंटिटीज़ आपके निकले। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं फूड रेसिपीज़ हो जाएँ या फिर इंडेक्सेस हो जाएँ। फूड रेसिपीज़ होती हैं जैसे बहुत सारे फूड, जैसे मुझे कुछ खाना बनाना है तो उसके अंदर में जब मैं उसका सब पार्ट निकालूंगी तो क्या करूंगी, उसमें किस टाइप के मसाला लगने वाले हैं, कौन से वेजिटेबल्स लगने वाले हैं, एंड सो ऑन। तो वो हमारे हो जाएंगे चाइल्ड, और जो रूट नोड में रखूंगी वो रखूंगी मैं कौन सा फूड को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। या फिर जो हम इंडेक्स बनाते हैं बुक के, जो इंडेक्सेस होते हैं वो भी टाइप ऑफ आपका हायरार्किकल मॉडल में ही आता है। यहाँ हम एग्जांपल भी देख सकते हैं, कॉलेज वाले कॉमन एग्जांपल है कि एक कॉलेज है, कॉलेज के पहले दो हमने चाइल्ड बना दिए, दैट इज़ डिपार्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई एक बिल्डिंग है देन कॉलेज बनाया कि पढ़ने के लिए, तो एक डिपार्टमेंट भी लगेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में समझो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है कोई भी चाइल्ड को ऐड करने की, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर में अब क्या आ जाएगा, कोर्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये आ गया। कोर्स के अंदर में फिर से हमने दो चाइल्ड बना दिए, दैट इज़ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, कि भाई ये सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल है एक हायरार्किकल मॉडल का, कि अगर वो मॉडल है तो वो रहेगा इस टाइप में, जिसमें कॉलेज रहेगा आपका एक पेरेंट नोड रहेगा और बाकी जितने भी हैं ये सब आपके चाइल्ड नोड है जो कि उस पेरेंट से कनेक्टेड है। थर्ड मॉडल जो होता है उसको कहते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्किंग में हम इस टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं, ये कुछ नहीं है बस एक एक्सटेंशन है, जो हमने हायरार्किकल मॉडल पढ़ा था उसी का ही इसमें एक्सटेंशन होता है। फॉर एग्जांपल हमने हायरार्की में क्या देखा था, एक पेरेंट है और बहुत सारे चाइल्ड हैं, लेकिन नेटवर्क मॉडल में क्या होगा, एक पेरेंट, उसके दो चाइल्ड, फिर उनके भी बहुत सारे चाइल्ड्स। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे नीचे वाले चाइल्ड हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर में कनेक्टेड हों, इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन एक्सटेंशन, देन इट इज़ ऑर्गेनाइज मोर लाइक अ ग्राफ। नाउ ट्री और ग्राफ में भी आप लोग को अंतर पता होगा, ये सब हम एडा जैसे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में जब होगा आपकी क्लासेस डेटा स्ट्रक्चर्स की होंगी तब आपको पता चलेगा कि ट्री में और ग्राफ में क्या अंतर होता है। वैसे थर्ड, दे हैव मोर देन वन पेरेंट नोड। अब इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट नोड होंगे आपके, ये है पेरेंट ये दोनों का। अभी B1 एंड B2 आर अगेन पेरेंट ऑफ C1, C2 एंड C3, ऐसे इस टाइप से बनाए।
डेटा इज मोर रिलेटेड एंड सो एक्सेसिंग इज ईजियर एंड फास्टर। नेटवर्किंग में अच्छी चीज़ ये होती है नेटवर्क मॉडल में कि यहाँ पे डेटा जो है आप बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर सकते हो, क्लियरली एक्सेस कर सकते हो, और एक दूसरे से रिलेटेड डेटा जो है वो ज़्यादा एक्सेस हो सकते हैं। ना जब ये तीन हमने तीन पढ़ लिया, रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल। नाउ फोर्थ इज ई आर मॉडल। ई आर मॉडल द मोस्ट कॉमन, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके बारे में मैंने आपको पहले के बेसिक क्लासेस में बता चुकी हूँ कि एक्चुअली ई आर मॉडल होता क्या है, और इसलिए मैं इसमें ज़्यादा एम्फोसाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इससे ही उठकर आते हैं कि एक ई आर डायग्राम आपको दे देगा और आपको बोलेगा आप सीधा रिलेशनल मॉडल बनाइए उसका। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको एक बहुत लार्ज ई आर डायग्राम, ई आर मॉडल दे देगा और उसको कहेगा कि अब आप इसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कीजिए। तो ये है आपका ई आर मॉडल जिसमें एक स्टूडेंट है। ई आर मॉडल्स के अंदर में क्या क्या आएंगे, आपके एंटिटीज आ जाते हैं और एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज। तो मैंने जैसे एक एंटिटी बना ली स्टूडेंट एंटिटी, तो अभी स्टूडेंट एंटिटी के अंदर में उसके एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा नेम, आईडी, एड्रेस एंड एज। ये चार उसमें आ जाएंगे उसके एट्रीब्यूट्स में। अभी मेरे को इसी को कन्वर्ट करना होगा एक रिलेशनल मॉडल में। तो उसको मैं कैसे करूँगी कन्वर्ट, ये मैंने एक टेबल बनाया, एकदम बेसिक वाला आपको बता रही हूँ। समझिए ये एक स्टूडेंट टेबल है, ये सब तो रोज़ हैं जिसमें कि वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ऊपर में हम क्या करेंगे, ये कॉलम नेम्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या हुआ, और टाइप ऑफ आपके कॉलम नेम्स रहेंगे यहाँ पे। एज, आईडी मुझे आगे लिखना था, मैंने पीछे लिख दिया अभी के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे तो दिस इज ई आर मॉडल। नाउ इससे आई थिंक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मॉडल क्या होता है, डेटा मॉडल्स क्या होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि डेटा मॉडल्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। फोर टाइप्स के डेटा मॉडल्स होते हैं, रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड ईआर मॉडल्स। ये क्या है, ये लॉजिकली हम डेटाबेस के डेटा को किस तरह से लॉजिकली हम एक टेबल में डालने वाले हैं, किस तरह से उन्हें स्टोर करेंगे, रिट्रीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ये सबको इसमें सीखा जाता है। नाउ नेक्स्ट हम आगे के छोटे और सब टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ पढ़ के फर्दर फिनिश करेंगे। थैंक यू।